वेलकम बैक दोस्तों। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि जो हमारा नया यूट्यूब चैनल है आप उसकी वीडियोस देख रहे हो सब। और अगर आपको नहीं भी पता नए यूट्यूब चैनल के बारे में तो आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो जो चैनल ओवरऑल चल रहा है उसके रिव्यूज़ काफ़ी अच्छे आ रहे हैं। हालांकि अभी तो दो ही वीडियोज़ हैं, एक वीडियोज़ अब मैं अपलोड करूँगा कल सुबह या कल रात को। और जो इस चैनल का जो क्रिप्टोग्राफी का जो सेक्शन है उसकी रीच बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। तो ज़्यादातर जो सब्सक्राइबर्स हैं जो नए आ रहे हैं वो क्रिप्टोग्राफी की वीडियोज़ की वजह से आ रहे हैं। एनीवेज दोस्तों, बहुत सारे जो हमारे व्यूअर्स हैं वो बहुत सारे मैसेजेस करते हैं, मुझे मेल करते हैं, ग्रुप्स में भी क्वेश्चन पूछते हैं जो हमारा फेसबुक पे ग्रुप है लर्निंग को लेकर, कि हमें कहाँ से हमें पढ़ना चाहिए, कौन से फोरम्स को, कौन से ब्लॉग्स को, कौन से चैनल्स को हमें फॉलो करना चाहिए, कैसे हम थोड़ी इन डेप्थ जा सकते हैं चीज़ों के, कहाँ से नॉलेज बनाई जाए, कैसे हम अपने कंसेप्ट्स क्लियर करें। बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत सारे। तो और जो क्रिप्टोग्राफी को लेकर तो बहुत ज़्यादा लोग क्वेश्चन पूछने लगे हैं। अब धीरे धीरे जो थोड़ा नेटवर्किंग का जो करेज है वो बढ़ने लगा, वो थोड़ा पहले क्रिप्टोग्राफी का ज़्यादा करेज था चैनल पे, अब जैसे नया चैनल जब से शुरू है थोड़ा नेटवर्किंग का करेज ज़्यादा बढ़ गया है। तो ओवरऑल देखो क्या है कि बहुत सारे भाई लोग हैं जो हमारे बहुत सारे व्यूअर्स हैं वो सजेशंस देते हैं, अलग अलग सजेशन देते हैं चैनल को लेकर, चैनल कैसे इंप्रूव किया जा सकता है। बहुत सारे भाई लोग हैं, बहुत सारे हमारे व्यूअर्स हैं जो लाइक चैनल को लेकर ही कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं। मतलब क्वेश्चंस बहुत टाइप के होते हैं, कुछ लोग चैनल्स को लेकर स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछते हैं, हैक्स एंड सिक्योरिटी को लेकर क्वेश्चंस पूछते हैं। तो उनमें से कुछ जो मेन सजेशंस हैं और जो कुछ मेन क्वेश्चंस पूछे गए हैं, एक बार चलो मैं वो लैपटॉप पर दिखाता हूँ, तो मैं फिर दोबारा यहाँ आके हम बात करते हैं। देखो दोस्तों, जो हमारे ग्रुप के मेंबर्स हैं, जो हमारे यूट्यूब सब्सक्राइबर्स हैं, जो भी हमारे भाई लोग हैं, वो पूरा दिन सजेशंस देते रहते हैं पूरा दिन, कि भाई वीडियोस छोटी बनाओ, बेसिक बनाओ, ट्रिक्स से रिलेटेड बनाओ, अर्निंग पे बनाओ, जियो से रिलेटेड बनाओ, मोबाइल फीचर्स पे बनाओ, अटेंशन गैदरिंग वीडियोस बनाओ। सबसे ज़्यादा कॉमन ये है कि भाई छोटी वीडियोस बनाओ। खैर मैंने इस भाई को एक आंसर भी दिया था जिस पे अभी हम बात भी करेंगे। यार देखो, मैं नहीं मानता कि जो छोटी वीडियोस होती हैं वो कॉन्सेप्ट्स अच्छे से क्लियर कर पाती हैं या फिर जो मिसकंसेप्शंस ईजिली हटा पाती हैं। खैर इस पे अभी हम बात भी करेंगे। देखो दोस्तों, फिर एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, देखो एक भाई ने मेरे को एक दिन मैसेज किया था कि हैक्स एंड सिक्योरिटी का एम क्या है, कि खुद को इन्फ्लुएंस करना है, पैसा है, इसको ऐसे मार्केटिंग प्लेटफॉर्म यूज़ करना है या नॉलेज स्प्रेड करना है और मिसकंसेप्ट क्लियर करना है। ये एक भाई ने मैसेज किया था। दूसरी साइड एक दूसरे भाई के साथ मेरी कन्वर्सेशन है, जो भी एक ब्लॉग राइटिंग की फील्ड में आया, अभी ब्लॉग्स लिखना शुरू करेगा, थोड़े इन डेप्थ, थोड़े हैवी ब्लॉग्स। तो खैर एक बार दोनों की कन्वर्सेशन पे फोकस करते हैं। देखो इसके बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे। जो इस भाई ने क्वेश्चन पूछा था, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन पूछा था, हालांकि उस टाइम मैंने इसको बोला था कि बाद में इसको आराम से डिस्कशन करेंगे, तो खैर वो टाइम आ गया है। और इस भाई ने जो मुझे आंसर दिया था जब मैंने इसे ब्लॉग के बारे में पूछा था, तो इसने मुझे एक चीज़ बोली थी कि भाई मैं ज़्यादा जो टेक्निकल कंटेंट ही लिखूँगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा टेक्निकल लोग मेरे ब्लॉग पर आएँ और डिस्कशन हो और मैं और ज़्यादा फोर्स हो जाऊँ और ज़्यादा पढ़ने के लिए, और फ्यूचर में मैं अपनी जो फाइंडिंग्स है और जो मालवेयर्स वगैरह वो भी वहाँ अपने ब्लॉग पे लिखूँगा। ये चीज़ें दोस्तों जो बहुत कम लोग समझते हैं, जो अच्छे टेक्निकल लोग होते हैं वही इन चीज़ों को समझ पाते हैं, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यार। अगर तुम वाकई एक अपना लेवल बनाना चाहते हो, डीप लेवल बनाना चाहते हो टेक्नोलॉजी में, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। खैर चलो अभी हम इन सब चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों जैसा कि इस भाई ने पूछा था, हैक्स एंड सिक्योरिटी का एम क्या है, अर्निंग को लेकर, इन्फ्लुएंस को लेकर, जो भी उसने ऑप्शंस दिए थे उन सब के बारे में अच्छे से भी डिस्कशन की जाएगी। उससे पहले हम एक बार लैपटॉप पे चलते हैं और एक और दूसरी चीज़ को एनालाइज करते हैं। दोस्तों एक जो चीज़ मैंने नोट की है कि वो है कि जो फॉरेन पब्लिक है वो इंडियन पब्लिक से ज़्यादा अच्छी है। देखो जैसे कल मैंने ना एक कमेंट किया था, हाँ यही कमेंट है जिसको ये लव मिला हुआ है, अभी इसको पॉज कर देते हैं। देखो यार ये मैंने कमेंट किया था, और ये कमेंट इसलिए किया था क्योंकि इस वीडियो में एक चीज़ लैक कर रही है, और कुछ लोग हैं जैसे बहुत सारे लोग थे, अब उनके कमेंट्स पे इतने अपवर्ड्स नहीं, लेकिन जब इसने अपलोड की थी उन्हीं के अपवर्ड्स ज़्यादा थे। ये जैसे बंदा है, इसने ये जो कमेंट किया था, और ये चीज़ मैं तुम्हें एक्सप्लेन भी कर चुका हूँ रोलिंग कोर्स को लेकर, और यहाँ पर मैंने थोड़ा बेटर ढंग से एक्सप्लेन कर दिया था। तो मैं एक चीज़ जो नोट कर रहा था वो ये है कि जो फॉरेन पब्लिक है ना, अगर तुम कंटेंट अच्छा बनाते हो तो ज़्यादा रिएक्शंस आते हैं वहाँ पे, लोग ज़्यादा कमेंट्स वगैरह करते हैं, ज़्यादा पार्टिसिपेट करते हैं, ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं अच्छे कंटेंट में। देखो दोस्तों होता क्या है, एक भाई मेरे को मैसेज करता है कि भैया ये वीडियो देखो 8:30 से, और ये कोई चीज़ है जो क्रिप्टोग्राफी से रिलेटेड है, वो मैं से मतलब कुछ पूछना चाहता था। जैसे मैं उस वीडियो को ओपन करता हूँ तो मैं देखता हूँ वेरिटेशियम की वीडियो है। वेरिटेशियम एक साइंटिफिक चैनल है,
साइंस वगैरह एजुकेशन वगैरह से रिलेटेड वीडियोस बनाता है, और बहुत ही ज़्यादा रिकमेंडेड चैनल है यूट्यूब पे। बहुत सारे बंदे जो तुम देखोगे साइंस में इंटरेस्टेड हैं वो उस चैनल को फॉलो करते हैं, और वो बहुत ही इंटेलिजेंट इंसान है जो उस चैनल को रन करता है, जो ये बंदा जो वीडियोस बनाता है मेरे लिए, और वो दुनिया भर से और लोगों को भी बुलाता रहता है जो काफ़ी इंटेलिजेंट लोग हैं, जो रिसर्चर्स वगैरह, उनको बुलाता रहता है। जब मैं वो वीडियो देखता हूँ 8:30 से मैं देखना शुरू करता हूँ, तो मैं देखता हूँ सैमी कैमकर है, जो लाइक वर्ल्ड के सबसे बड़े हैकर्स में से एक है आज के टाइम पे, जिसने इतने सारे डेमोन्स्ट्रेशन दिए हैं बड़े बड़े हैकिंग को लेकर। तो जब मैं वो वीडियो पूरी देखता हूँ तो मैं एक चीज़ देख लेता हूँ कि यार भले वो बंदा अच्छी है, अच्छी वीडियो बना रहा है, लेकिन ये वीडियो कंसेप्चुअली लैक करती है, कंसेप्चुअली बहुत ज़्यादा लैक करती है। तो खैर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं नीचे आता हूँ कमेंट सेक्शन में, मैं कमेंट करने ही वाला था सैमी इज़ माई हीरो, ठीक है। तुम्हें पता होगा इसके पीछे एक बहुत बड़ी स्टोरी है माई स्पेस को लेकर, इसलिए लोग कमेंट करते हैं सैमी इज़ माई हीरो। तो मैं वो कमेंट करने ही वाला था, तभी मैं नोट करता हूँ कि कुछ लोगों के ऑलरेडी कमेंट्स हैं वहाँ पर, और कमेंट्स हैं कि ये वीडियो में जो मेथड बताया गया ये सही कैसे हो सकता है ये मेथड, ठीक है। लोग अलग अलग इस टाइप के अलग अलग कमेंट्स किए जा रहे हैं और लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं दूसरे लोग। तो मैं जानता था कि वो जो कंसेप्ट बताया वो अधूरी लाइन है, वो बहुत लेंथी लाइन है। एक्चुअली मैं टाइमलाइन पे पहले भी रोलिंग कोड के बारे में लिख चुका हूँ, और रोलिंग कोड क्या होता है अगर तुम थोड़ा सा डीप में जाओगे तो काफ़ी कंफ्यूजिंग चीज़ हो जाती है। तो फिर भी मैं सोचता हूँ जितना मैं अपना आराम से सिंपल एक्सप्लेनेशन लिख सकता हूँ मैं लिखता हूँ, मैं वो लिख देता हूँ। कुछ टाइम बाद देखता हूँ बहुत सारे अपवर्ड्स आ रहे हैं, बहुत सारे लोग मुझे थैंक्स कर रहे हैं। इस बंदे के पास अब दो ऑप्शन थे, जो वेरिटेशियम है वो बहुत बड़ा चैनल है, हमारा चैनल बहुत छोटा है उनके सामने, उसके 4.5 मिलियन सब्सक्राइबर्स कुछ होंगे, तो वो मुझे कुछ रिप्लाई भी दे सकता था कि नहीं ये वो वगैरह वगैरह बहुत कुछ कर सकता, कोई जस्टिफिकेशन भी दे सकता था, लेकिन वो कुछ नहीं देता, वो सिंपली उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेता है, हाँ जो ये बोल रहा है वो सही बोल रहा है। हो सकता है उसने इधर उधर कोई रिसोर्सेज को रेफर किया होगा, कुछ भी किया, फाइनली वो एक लव रिएक्ट देता है और बात खत्म। डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि मैं उस कमेंट में मेंशन करता हूँ कि ये वीडियो लैक करती है, तो हो सकता था कि कुछ जैसे इंडियन चैनल होते ना तो 100% वो मेरे साथ लड़ने लग जाते कमेंट में, है ना। तुम इंडियन चैनल में किसी को बोल दो भाई ये वीडियो कंसेप्चुअली गलत है, ये वीडियो कुछ लैक कर रही है, इस टाइप से कुछ बोलोगे, वो लड़ना शुरू हो जाएंगे, उनके सब्सक्राइबर तुम्हारे साथ लड़ना शुरू कर देंगे, वो पढ़ेंगे भी नहीं बंदे ने क्या लिखा हुआ है और बंदा क्या कहना चाहता है, है ना। और ये इंडिया में तुम्हें ज़्यादा देखने को मिलेगा, और यही एक चीज़ है जिससे हम तुम्हें हटाने की कोशिश करते हैं इस ट्रेंड से, कि यार अगर तुम कहीं कुछ लैक कर रहे हो, मैं कुछ कुछ कोई भी आर्टिकल लिख रहा हूँ तुम एडिट सजेस्ट करते हो तो मैं उसे मान लूँ, इसी में समझदारी है, ताकि एटलीस्ट जो सुनने वाले हैं जो देखने वाले हैं उनको तो फ़ायदा हो, मैं अगली वीडियो में उसे करेक्ट कर लूँगा, मैं डिस्क्रिप्शन में उसे करेक्ट कर लूँगा, मैं कुछ भी करूँगा, तो एटलीस्ट चलो ठीक है मेरी गलती थी, एटलीस्ट जो लोग आगे देख रहे हैं वो तो ना अफेक्ट हों। जो दोस्तों सबसे मेन चीज़ है यहाँ पे, जब मैं वीडियो देख रहा था मैंने एक चीज़ नोट कर ली थी कि इस भाई ने क्या किया है कि जो एक सबसेट है उसको सेट मान लिया है, उसको कंप्लीट सेट मान लिया है यहाँ पे। और अगर तुम्हें अभी नहीं भी समझ में मेरी कमेंट्स और सब कुछ, तो आगे इस पर हम एक बहुत अच्छी वीडियो बनाएंगे, वहाँ से तुम्हें क्लियर हो जाएगा। एनीवेज मैं एक चीज़ जानता था कि इससे बहुत सारे लोग कुछ गलत कंक्लूजन्स निकालने वाले हैं, ये लोगों को कुछ मिसकंसेप्शन से भर देगी ये वीडियो। जब मैं नीचे आता हूँ कमेंट सेक्शन में तो ये चीज़ मुझे क्लियर भी हो गई थी जो लोगों के कमेंट्स वगैरह देखकर, तो इसलिए मुझे वो इतना बड़ा कमेंट करना पड़ा। एनीवेज जो मेन चीज़ है यहाँ पे देखो, हैक्स एंड सिक्योरिटी इस चीज़ का ज़्यादा ध्यान रखती है कि तुम क्या क्या कहाँ कहाँ से क्या क्या पढ़ रहे हो, खासकर जो न्यूज़ वगैरह में जो कंटेंट चलता है जो तुम पढ़ते हो और उससे कुछ गलत कंक्लूजन निकाल लेते हो, जो तुम इधर उधर कमेंट्स वगैरह करते हो हमारे यूट्यूब चैनल पर, ग्रुप्स में, मैसेजेस में, व्हाट्सएप पे, जो भी तुम करते हो, देखो जहाँ तक मेरे हाथ में, जहाँ तक मैं कर सकता हूँ वहाँ तक मैं कोशिश करता हूँ कि तुम्हारे मिसकंसेप्शंस हटाए जा सकें, और इसीलिए हमारी वीडियोस इतनी लेंथी होती हैं, क्योंकि हमें उन मिसकंसेप्शंस का ध्यान रखना होता है। खैर देखो एक भाई ने लाइक अभी क्या कहा था इन्फ्लुएंस को लेकर और मिसकंसेप्शन हटाने को लेकर, तो तुम्हें एक थोड़ा सा बेटर एग्जाम्पल देता हूँ, एक बहुत ही ज़्यादा रियलिस्टिक एग्जाम्पल देता हूँ। तुम लोगों ने SSL स्ट्रिप की वीडियो तो देखी नहीं होगी, जिसने नहीं देखी है SSL स्ट्रिप वाली वीडियो जो नई YouTube चैनल पे, वो देख लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो। खैर जो एक वीडियो तुमने ज़्यादा देखी होगी चैनल पे वो है SS7 की वीडियो, जो SS7 हैकिंग से रिलेटेड वीडियो है। देखो क्या हुआ था कि एक ब्लॉग है जो न्यूज़ वगैरह लिखता है हैकिंग के ऊपर, जो यूजुअली गूगल में टॉप में रहता है, वो एक ब्लॉग लिखता है SS7 के ऊपर। ब्लॉग में क्या मेंशन करते हैं कि SS7 एक अटैक है, हैकर्स इसे बहुत ज़्यादा एक्सप्लोइट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, इसे हैकर्स लोगों के OTP बाईपास कर रहे हैं, लोगों के ईमेल अकाउंट्स हैक हो रहे हैं, फेसबुक अकाउंट सब कुछ हैक हो रहा है, सब कुछ ट्रेस हो रहा है, बहुत कुछ लिखता है, बहुत कुछ, सिर्फ कुछ फैक्ट्स लिखता है, उसके पीछे कोई कंसेप्ट नहीं होता है क्या है, कैसे काम करता है, कुछ नहीं होता। तो मेरे पास मैसेजेस आते रहते हैं ऐसे कि भैया लाइक SS7 से किसी का OTP बाईपास कर दो, किसी का जीमेल अकाउंट हैक कर दो, ये कर दो, वो कर दो, बहुत सारा।
तो एक्चुअली देखो, जब वो बंदा उस ब्लॉग को लिखता है, SS7 वाले ब्लॉग को, एक लिमिटेड सा जो ब्लॉग है कह सकते हो, जिसमें पूरी इन्फॉर्मेशन दी नहीं गई किसी चीज़ की, उससे हाइप बन जाता है, बहुत ज़्यादा हाइप बन जाता है, लोग उस हाइप में घूमते रहते हैं जो भी उस ब्लॉग को पढ़ता है। जिन लोगों को हम हैकर्स मानते हैं, कोई भी नॉर्मल इंसान है ये मानता है वो बंदा हैकर है, किसी को भी वो हैकर मानते हैं, उनका इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है, लोगों के दिमाग पे बहुत ज़्यादा एक इन्फ्लुएंस छा जाता है कि हैकर्स ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, उनको मैसेज करते हैं, भाई उसके फ़ोन का OTP बाईपास कर दो, भाई उसका जीमेल अकाउंट हैक करके दे दो, भाई SS7 का सॉफ्टवेयर दे दो, ऐसे बहुत सारे मैसेज आते हैं। उसके बाद मैं जब ये सब चीज़ें एनालाइज करता हूँ, हमारे ग्रुप से, हमारे यूट्यूब से, हर जगह से कमेंट्स वगैरह देखता हूँ, तो मैं एक वीडियो बनाता हूँ SS7 हैकिंग को लेकर। वो वीडियो तुमने देखी भी होगी, जो वीडियो कुछ मिथ्स को हटाने के लिए बनाई गई थी, और जो एक इन्फ्लुएंस बना हुआ था गलत चीज़ों का, ठीक है, एक सही चीज़ का इन्फ्लुएंस हो कोई दिक्कत नहीं, एक जो गलत चीज़ का, जो हाइप की वजह से जो एक इन्फ्लुएंस बना हुआ, उस इन्फ्लुएंस को थोड़ा सा कम करने के लिए और चीज़ों को थोड़ा सा रियलिस्टिक लेवल पे लाने के लिए मैं वो वीडियो बनाता हूँ। तो दोस्तों, इनडायरेक्टली हुआ क्या, जो जिन लोगों को तुम एथिकल हैकर्स मानते हो, जो भी मानते हो, उनका थोड़ा सा इन्फ्लुएंस घट जाता है उस वीडियो के बाद, SS7 वाली वीडियो के बाद। खैर, एक और चीज़ मैं जो तुम्हारी बिल्कुल अच्छे से क्लियर कर देता हूँ, वो है कंसेप्ट्स को लेकर। देखो दोस्तों, क्या होता है कि एक टूल है SSL स्ट्रिप, ठीक है, वो टूल अगर तुम बैकट्रैक यूज़र हो, काली लिनक्स यूज़र हो, तो तुम्हारे लिए कॉमन टूल होगा वो। तो 2013 में 2014 में तुम वीडियो देख लेते हो एक, जिसमें तुम YouTube पे कुछ वीडियोस देखते हो, जो ट्रिक्स कह लो उन्हें, मेथड कह लो, ट्रिक कह लो, तो तुम वो वीडियो देखते हो, उस वीडियो को फॉलो करते हो जीमेल के ऊपर। कुछ लोगों का सक्सेसफुल हो जाता है, कुछ लोग जो एग्जैक्टली उसी चीज़ को फॉलो करते हैं उनका सक्सेसफुल हो जाता है, कुछ का नहीं भी सक्सेसफुल होता। जिनका सक्सेसफुल नहीं हो वो भी नहीं समझ पा रहे कि हमारा सक्सेसफुल क्यों नहीं हो रहा है, जिनका सक्सेसफुल हो गया वो मेथड वो भी नहीं समझ पा रहे कि हमारा सक्सेसफुल क्यों हो गया। चीज़ें यूं ही चलती रहती हैं, कुछ टाइम बाद किसी का भी सक्सेसफुल नहीं होता। वो एक ट्रिक थी, तुमने सीखी, तुमने जब अगर कहीं चली तुमने चलाई, बाद में बात ख़त्म। लेकिन फिर मैं एक वीडियो बनाता हूँ जो पूरी कंसेप्चुअल है, जो एक एक चीज़ का रीजन देती है कि ये जो अटैक है ये क्यों काम करता है, किस केस में काम नहीं करता, कितने अलग अलग कंडीशंस हम डिस्कस कर सकते हैं, यहाँ क्यों काम करता है और वहाँ काम क्यों नहीं करता, ये अटैक एग्जैक्टली करता क्या है। और वो चीज़ तुम समझते हो, वो कंसेप्चुअल वीडियो तुम पूरी देखते हो, समझते हो, आज का दिन है जहाँ हम ये मानते हैं कि MITM जो HTTPS वेबसाइट्स हैं उस पर बिल्कुल ही इम्पॉसिबल जैसा हो गया, जो मेन वेबसाइट्स हैं, जैसा कि तुम उस वीडियो में देखोगे। लेकिन नहीं, अगर तुम उस वीडियो को ध्यान से देखोगे, तुम तब भी थोड़ा ब्राउजर्स वगैरह के बारे में सोचोगे और दिमाग लगाओगे, तुम आज भी वो, इवन जो तुम्हारी मेन वेबसाइट्स हैं, कुछ कंडीशन में तुम आज भी वहाँ पे वो अटैक सक्सेसफुल दिखा दोगे। और अगर तुम अच्छे सोशल इंजीनियर्स हो तो तुम विक्टिम को उस लेवल तक ले भी आओगे। देखो दोस्तों, हम ये चाहते हैं कि तुम्हारे ऊपर कंसेप्ट्स का इन्फ्लुएंस होना चाहिए, तुम्हारे ऊपर नॉलेज का इन्फ्लुएंस होना चाहिए, तुम इन चीज़ों की पावर को समझो, बजाय कि जो ट्रिक्स होती हैं, जो छोटी छोटी ट्रिक्स होती हैं, तुम वो ट्रिक्स यूज़ करते हो, तुम समझ भी नहीं पा रहे कि एक्चुअली हो क्या रहा है। वो ट्रिक्स तुम्हें पता होना चाहिए, वो मेथड्स तुम्हें पता होना चाहिए, लेकिन उससे पहले बेटर रहेगा अगर तुम उन चीज़ों के कंसेप्ट्स को समझ पाओ, तो ये हमारा एम है। और हाँ, जहाँ इन्फ्लुएंस की बात आती है, देखो मैं कुछ लोगों को इमोशनली हर्ट नहीं करना चाहता कुछ भी कहकर, बट एक चीज़ समझो यार, देखो हमारी जो मेजोरिटी जनता होती है वो इस टाइप की होती है कि 98% लोग ऐसे होते हैं जो ज़्यादा दिमाग यूज़ ही नहीं करना चाहते, जो बस ज़िंदगी चल रही है चलने दो, क्या करना है ज़्यादा दिमाग यूज़ करके, है ना। सिर्फ 2% लोग ऐसे होते हैं जो काफ़ी ब्रेन यूज़ करना पसंद करते हैं, जो काफ़ी सोचना पसंद करते हैं हर चीज़ के बारे में। तो यार, जो एक अंधा इन्फ्लुएंस होता है, जो लाइक अंधभक्ति होती है, वो उन 98% लोगों के ऊपर ईजी होती है, बजाय कि उन 2% लोगों के। मतलब देखो, जितने भी तुम ये सेंट्स वगैरह देखते हो, तुम देखते हो इनका कितना अंधा इन्फ्लुएंस होता है, ठीक है। अभी कोई भी है, चाहे बाबा राम रहीम है, चाहे आशाराम, जो भी हैं, देखो मैं फिर से बताऊँ, मैं किसी को हर्ट नहीं करना चाहता पर्टिकुलरली, बट एक सच्चाई को जान लो, लोगों की जो एक लिमिटेड थिंकिंग है, एक लिमिट से बाहर लोग सोचना नहीं चाहते, एक साइंटिफिक लेवल पे लोग सोचना नहीं चाहते, उसकी वजह से ये लोग इजीली रूल कर पाते हैं इतनी सारी जनता को, और बिल्कुल अपना एक अंधा इन्फ्लुएंस वहाँ पे बना पाते हैं। जबकि इनमें से तुम ज़्यादातर का अगर देखोगे तो कुछ ना कुछ इनका इश्यूज़ चलते रहते हैं, और सब मॉरल इश्यूज़ होते हैं।
खैर वो सब भी छोड़ो, देखो मैं फिर से कह रहा हूँ, मैं किसी को यहाँ पर्सनली हर्ट नहीं करना चाहता। फिर तुम्हें एक चीज़ बता दूँ, देखो अगर मैं उन 2% लोगों को जोड़ रहा हूँ, जो वो 2% लोग हैं जो हमें रीज़नेबल लगते हैं, जो हमें लगता है काफ़ी दिमाग यूज़ करना चाहते हैं, जो साइंटिफिक स्टफ़ को चाहते हैं, जो साइंस के लेवल पर सोचना चाहते हैं, साइंस के हिसाब से सोचना चाहते हैं, तो इतना जान लो मैं वहाँ अंधा इन्फ्लुएंस तो उन लोगों पे क्रिएट कर ही नहीं सकता। वहाँ पे इन्फ्लुएंस होगा तो रीज़नेबल होगा, लॉजिकल होगा। अगर मैं कोई चीज़ बोलूँगा जो उन्हें लॉजिकली ठीक लगेगी तो वो मानेंगे, वरना वो नहीं मानेंगे। लेकिन वो जो 98% लोग थे वहाँ पर, मैं फिर भी ऐसा कर सकता था कि एक ब्लाइंड अंधा इन्फ्लुएंस वहाँ पर क्रिएट किया जा सके किसी तरह से। और इन्हीं चीज़ों को पॉलिटिकल पार्टीज़ भी अटैक करती हैं अपना इन्फ्लुएंस बनाने के लिए, बेसिकली जो पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं। फिर वो कुछ गलत भी कर रहे होते हैं, वो कुछ भी कर रहे होते हैं, पब्लिक उन्हें इग्नोर करती है, पब्लिक उनके इन्फ्लुएंस में रहती है। अब कोई पॉलिटिकल लीडर है वो तुम्हें अच्छा लगता है, कोई दूसरा बंदा आके एक जेन्यून वैलिड पॉइंट भी तुम्हें दे रहा है कि ऐसा ऐसा है, ये इस चीज़ के दाम बढ़ गए, ये हो गया वो हो गया, तो वो बंदे सुनेंगे ही नहीं। वो लोग ना नॉलेज ज़्यादा गेन करना चाहते हैं, ना कुछ सुनना चाहते हैं। देखो वो एक अलग सी टाइप की जनता हो जाती है जो बिल्कुल नॉन रीज़नेबल हो जाती है। लेकिन जो हैक्स एंड सिक्योरिटी का एम रहा है, वो जो रीज़नेबल लोग हैं, जो सुनना चाहते हैं, जो चीज़ों को एनालाइज करना चाहते हैं, उनके लिए बना हुआ है और उन्हीं लोगों को जोड़ने का काम करता है। देखो दोस्तों, मैं कुछ बहुत ही वैलिड एग्जांपल्स दे सकता था कुछ वैलिड डाटा के साथ, लेकिन मैं कुछ लोगों को हर्ट नहीं करना चाहूँगा, तो इन चीज़ों को अभी हम अवॉइड करते हैं। एक मेन चीज़ जो आते हैं, हम एक अर्निंग की बात करते हैं। देखो यार, एक तो ना ये फील्ड ही थोड़ी अलग है, एथिकल हैकिंग बहुत ही अलग टाइप की फील्ड है। तुम्हें ना एक एग्जांपल देता हूँ। एक बंदा होता है, अभी किसी का नाम लेना मैं ठीक नहीं समझूंगा, वो क्या करता है कि MTV पे एक सीरियल रन करता है, एक सीरियल जो हैकिंग से रिलेटेड होता है। तो उसमें बहुत कुछ अजीब अजीब चीज़ें दिखाते हैं, कुछ ना कुछ दिखाते रहते हैं। वो इधर उधर कॉलेजेस में जाता है, डेमोन्स्ट्रेशन वगैरह देता है, बहुत कुछ करता है। एक लड़की को बुलाता है स्टेज पर, है ना, और 2 मिनट लाइक हाथ मारता है लैपटॉप पे, उस लड़की को उसका पासवर्ड कान में बता देता है, लड़की के कान में, ठीक है। तो यूं करते करते बहुत अजीब अजीब ट्रिक्स दिखाता है हैकिंग से रिलेटेड, बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस बन जाता है उसका हैकिंग को लेकर, बहुत ज़्यादा। कोचिंग इंस्टीट्यूट्स खोल देता है, उसका खुद का सर्टिफिकेशन प्रोग्राम निकाल देता है जिसकी फ़ीस भी बहुत ज़्यादा होती है। तो इतने सारे लोग पे करते हैं इतना पैसा उससे सीखने के लिए और वो सर्टिफिकेट लेने के लिए, यूं ही चलता रहता है, हालांकि बाद में उसे एक्सपोज किया जाता है। तो यार, जो बहुत सारे पॉलिटिकल हैकर्स हैं जो पॉलिटिक्स के साथ मिले हुए हैं, जो जिनको इतनी नॉलेज नहीं है जितनी दूसरे हैकर्स को तुम्हें मिल जाएगी इंडिया में, बहुत एक से अच्छे एक तुम्हें लेवल के बंदे मिल जाएंगे हर फील्ड में, लेकिन वो लोग पॉलिटिक्स के साथ मिले हुए हैं इसलिए इतना बड़ा बिजनेस रन कर रहे हैं, इतना बड़ा बिजनेस रन कर रहे हैं। और रन क्या कर रहे हैं, वो लोगों की एक मेंटेलिटी को ख़राब कर रहे हैं चीज़ों को लेकर। कि देखो, जैसे उस बंदे ने उस लड़की को स्टेज पे बुलाया, उसके कान में उसका पासवर्ड बता दिया, तो इससे क्या होता है, जो पूरा जो कॉलेज है, जो लिसनर्स हैं, वो सब ये उनके दिमाग में एक मेंटेलिटी बन जाती है कि यार ये जो हैकर्स वगैरह हैं चुटकियों में पासवर्ड्स वगैरह हैक कर रहे हैं, किसी भी चीज़ को चुटकियों में हैक कर रहे हैं, वो इस टाइप की एक मेंटेलिटी बन जाती है। हैक्स एंड सिक्योरिटी ऐसी चीज़ों को प्रमोट नहीं करता और इनफैक्ट तुम्हें लिमिट करने का काम नहीं करता। देखो, तुमने वो स्टोरी सुनी होगी जब तुम छोटे होते हो, एक कुएं का मेंढक होता है जो ये सोचता है कि दुनिया सिर्फ कुएं तक ही है। हम नहीं चाहते कि तुम उस टाइप से बन जाओ, कि तुम्हारी थिंकिंग इतनी लिमिटेड हो जाए। देखो, टेक्नोलॉजी को मोबाइल फीचर्स तक लिमिटेड रखना, हैकिंग जो शब्द है उसको ब्लैक हैट हैकिंग तक लिमिट रखना, जो हैकिंग शब्द है उसको ट्रिक्स तक लिमिटेड रखना, जो हैकिंग है उसको हैकिंग के जो मेथड्स होते हैं सिर्फ उसके हाइप तक लिमिटेड रखना, जो नॉलेज है उनको न्यूज़ वेबसाइट्स गूगल पे जो सबसे बेसिक रिजल्ट्स होते हैं वहाँ तक लिमिटेड रखना, जो तुम सीख रहे हो उन सब चीज़ों को सिर्फ यूट्यूब के वर्ल्ड तक लिमिटेड रखना, और कोई भी चीज़ है उसको सिर्फ मुझ तक लिमिट रखना कि भाई देखो ग्रुप में मुझसे भी बेटर बंदे हैं कुछ चीज़ों में। तुम्हें क्लियरली ये चीज़ पता होना चाहिए, अगर बग बाउंटी की बात है तो मुझसे बेटर बंदे हैं जिन्होंने इतने अच्छे अच्छे बग्स ढूंढे हुए हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, हर चीज़ में तुम्हारी जो लिमिटेशंस होते हैं उनको तोड़ने की कोशिश करते हैं, एटलीस्ट मैं तो यही करता हूँ जितना मुझसे हो सकता है भाई। और बात रही इन्फ्लुएंस की दोस्तों, तो दोस्तों तुम मुझे बहुत ही कम एनवायरमेंट्स में जानते हो, बहुत ही कम प्लेटफॉर्म्स पे जानते हो, एक दो फोरम पे जानते होगे, और लाइक की जो ग्रुप है और मतलब सोशल मीडिया पे जानते हो। तो इवन तुम मेरा जो स्टैक पे जो मेन अकाउंट है तुम्हें उसके बारे में भी नहीं पता होगा, और जो एक ब्लैक हैट फोरम्स पे, एक दो ब्लैक हैट फोरम्स पे मैं हमेशा अकाउंट रखता हूँ, हालांकि कम ही यूज़ होता है फिर भी रखता ज़रूर हूँ, तुम्हें उसका भी नहीं पता होगा। फिर दोस्तों, जो दूसरे फोरम्स आते हैं, जैसे जो डेविड सर हैं जो रिपल के चीफ क्रिप्टोग्राफर हैं, मैं उन्हें बहुत टाइम से फॉलो करता हूँ, जो जैसे सैमी कैमकर है मैं उन्हें भी फॉलो करता हूँ, जो इथेरियम का जो ओनर है जो वितालिक है मैं उन्हें भी फॉलो करता हूँ, जो जो मैंने इनके लाइक इनको फॉलो करके जो फोरम्स वगैरह निकाले
तुम वहाँ भी मुझे नहीं जानते होगे। तो ऐसी बहुत सारी प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ तुम मुझे नहीं जानते, तो अगर यार इन्फ्लुएंस की बात होती तो वो वहाँ पे मैं ज़्यादा बेटर कंटेंट लिखता हूँ हमेशा, और ज़्यादा डीपर लिखता हूँ, और हमेशा मैं इतना खुल के लिखता हूँ कि जैसे मुझे यहाँ कोई जानता नहीं है पहचानता नहीं, जो मर्जी मैं लिखूँ जो मर्जी मैं करूँ, इस टाइप से रहता हूँ मैं वहाँ पे। और ये नहीं है कि मैं इतना ज़्यादा यूज़ करता हूँ, लेकिन मैं लाइक किसी का आंसर भी देता हूँ तो कई बार मैं 20-20 पेजेस तक का भी लिख देता हूँ। एनीवेज दोस्तों देखो, मैं खुद को इतना अंडरस्टैंड कर चुका हूँ कि मैं जानता हूँ कि मैं किस केस में पढ़ सकता हूँ और किस केस में नहीं पढ़ सकता, और क्या चीज़ मेरे लिए सही है, कौन से एनवायरनमेंट सही है कौन से नहीं है। तो धीरे धीरे तुम लोग, मैं चाहता हूँ तुम लोग भी इन चीज़ों को सीखते जाओ कि कैसे चीज़ों को एक्सप्लोर करना है जो तुम्हारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो जो चीज़ तुम्हें लगता है प्रैक्टिकली काम आने वाली है उसको थोड़ा एक्सप्लोर कर लो, वो ज़्यादा बेटर है तुम्हारे लिए। और तुम लोगों को एक आदत पड़ गई है गलत न्यूज़ वगैरह को पढ़ने की, जैसे अभी गूगल का एक न्यूज़ आ गया था SHA-1 का कोलिजन को लेकर, तो मैं देख रहा हूँ कमेंट्स वगैरह में देख रहा हूँ लोग बोल रहे हैं SHA-1 रिवर्स हो गया ये वो। अगर तुमने अच्छे राइटअप्स पढ़े होते तो तुम्हें समझ में आता कि एग्जैक्टली हुआ क्या था, और एग्जैक्टली कितनी चीज़ें ये न्यूज़ वाले हाइप बना देते हैं फालतू में, और कितनी चीज़ें रियल होती हैं। ठीक है, तो खैर उस चीज़ को हम डिस्कस करेंगे, हम एक जो कोलिजन है उसको अच्छे से समझेंगे, और जो दूसरे फैक्टर्स होते हैं जो एक्चुअली में जो तुम्हारे क्रिप्टोग्राफी होती है उसकी स्टैंडर्ड को तोड़ देते हैं, उनको भी समझेंगे फिर। तो ये सब चीज़ें हम आगे आने वाली वीडियोज़ में देखेंगे। तो मैं ये चाहता हूँ कि तुम अच्छे राइटअप्स पे ध्यान दो, अच्छा अपना खुद का एक मेंटेलिटी बनाओ कि कैसे तुम चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लोर कर पाओगे, वो चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो मेरी एक चीज़ को समझो, एक कोई भी बंदा तुम्हें बोल दे कि मैं फेसबुक अकाउंट्स ईजिली हैक कर सकता हूँ ये वगैरह वगैरह, उस सब चीज़ को अवॉइड करो। खुद जाओ और जो फेसबुक के लाइक अकाउंट टेक ओवर बग्स हैं ये जो भी तुम्हें POC मिलते हैं, उन POCs को बैठ के देखो, वो चीज़ तुम्हें एक रियलिस्टिक थिंकिंग देगा कि कैसे चीज़ें हुई थी और क्यों हुई थी। और खैर हम जो फेसबुक के और जो कुछ जो मेन वेबसाइट्स हैं उनके जो मेन POC हैं, जो अकाउंट टेक ओवर के हुए हैं या जो और अच्छे बग्स निकले हैं, वो क्यों निकले थे कैसे निकले थे, उन सब के ऊपर भी कोई अलग से वीडियो बनाएंगे। तो ये सब चीज़ें ज़रूरी होती हैं, एक रियलिस्टिक थिंकिंग बनाओ। तो दोस्तों ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे राइटअप्स वगैरह की स्टडी जो तुम टाइम के साथ सीखोगे, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। खैर जो एक मेन चीज़ जो थी वो थी भाई छोटी वीडियोस क्यों नहीं है। भाई देखो वीडियोस का छोटा बड़ा होना कोई बात नहीं है, जहाँ पे छोटी वीडियो से काम चलेगा वहाँ पे छोटी वीडियोस भी बनाई जाएंगी। लेकिन यार अब एक चीज़ देखो, तुम SSL स्ट्रिप की एक बार वीडियो देखना अभी जाके जिन्होंने नहीं देखी। यार अगर मैं SSL स्ट्रिप को और HSTS को, इन दोनों को अलग अलग बताऊँ ना अलग अलग वीडियोज़ में, तो जिसने दोनों में से कोई भी एक वीडियो मिस कर दी ना, वो दूसरी चीज़ का स्कोप कभी नहीं समझ सकता। जिसने HSTS की वीडियो नहीं देखी वो SSL स्ट्रिप का स्कोप नहीं समझ सकता, और ऐसे ही वाइस वर्सा, वो दूसरी चीज़ का स्कोप नहीं समझ सकते तुम। तो कुछ चीज़ें होती हैं उनको यूनाइट करना पड़ता है, और वरना मैं वो अलग अलग ही बनाता, लेकिन फिर मैंने सोच लिया था ठीक नहीं होगा, एक वीडियो चाहे लेंथी हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन वो हर चीज़ को अच्छे से एक्सप्लेन करेगी और बिल्कुल वो वीडियो ज़्यादा रीजनेबल हो जाएगी, बजाय कि वो वीडियोज़ अलग अलग बनाई जाती है। देखो दोस्तों मैं भी ये बात जानता हूँ कि लोग बेसिक वीडियोज़ ज़्यादा चाहते हैं, लोग चाहते हैं छोटी छोटी वीडियोज़, 5 मिनट की वीडियो, 4 मिनट की, तुम कोई भी टॉपिक है ना, इवन जो क्रिप्टोग्राफी है, तुम्हें पता क्रिप्टोग्राफी कितना बड़ा टॉपिक है, तुम छोटी वीडियोज़ बनाओगे ना तब भी कई लोगों की टेंडेंसी ये रहेगी यार ये वीडियो छोटी, ये वीडियो बड़ी, छोटी वाली देख के काम चला लेते हैं, क्योंकि लोगों को एक वो छोटा सा बेसिक सा आइडिया चाहिए होता है बस। लेकिन यार ये चैनल थोड़ा अलग है, हम चाहते हैं कि जो लोग ठीक से चीज़ों को एनालाइज करना चाहते हैं, ठीक से चीज़ों को समझना चाहते हैं, वो इस चैनल को फॉलो करें। तो इसलिए हमें थोड़ा बड़े कंटेंट पे फोकस करना पड़ता है, लेंथी वीडियोज़ पे फोकस करना पड़ता है। देखो मैं अगर इस टाइप की वीडियोज़ बनाऊँ ना, जैसे SS7 की जो वीडियो थी, मैं कैसी वीडियो बनाता, ये मेथड है जिससे होते हैं आपके OTP बाईपास, ये मेथड है जिससे हैकर्स करते हैं OTP बाईपास, और मैं उसमें तुम्हें थोड़ा बहुत SS7 का बेसिक बताता था। SS7 एक मेथड होता है जिससे OTP वगैरह बाईपास होता ही होता है, 2-3 मिनट की वीडियो बनाता, तो उसके पता नहीं कितने व्यूज़ होते हैं। और अगर मैं इस टाइप के कंटेंट पे फोकस करता रहूँ, इस मेथड से होते हैं फेसबुक अकाउंट्स हैक ये वगैरह वगैरह, तो पता नहीं कितने ज़्यादा व्यूज़ आने लग जाएंगे, चैनल की रीच इतनी ज़्यादा हो जाएगी, उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है। एटलीस्ट चलो ठीक है मेरे लिए फ़ायदा है भाई, व्यूज़ हैं तो अर्निंग है, मेरा फ़ायदा होता रहेगा, व्यूज़ आ रहे हैं अर्निंग आ रहे हैं, तुम लोगों को क्या मिलेगा, कुछ नहीं। तुम लोग फोकट में जो तुम्हारे कंसेप्ट्स भी कमज़ोर हो जाएंगे और तुम लोग मिसकंसेप्शंस डेवलप करते जाओगे अपने दिमाग में, जबकि वो वीडियोस बनाने में मुझे थोड़ा सा टाइम लगता है, और ये वीडियोस बनाने में कई बार एक एक पूरी रात लग जाती है, कई बार दो दो पूरी रात लग जाती हैं, क्योंकि हमें इतना सोचना पड़ता है कि लोग किसने क्या कमेंट किया था, किसने क्या किया था, कौन क्या क्या सोच रहे हैं, कौन कैसे कैसे मैसेज करता है, इतना कुछ सोच समझने के बाद एक वीडियो बनाई जाती है कि जो लोगों के कॉमन मिसकंसेप्शन है उसको रिमूव किया जा सके। और इस कारण से इस चैनल की जो अर्निंग है, जो रीच है, वो भी बहुत ज़्यादा कम हो चुकी है। तो इतना ही फोकस कोई एक प्रैंक चैनल पर करे
या फिर कोई एक ऐसे चैनल पे करे जो पूरा क्लिक बेट पे चल रहा है, तो उसकी रीच पता नहीं कितनी ज़्यादा हो जाए, उसकी अर्निंग भी बहुत ज़्यादा हो जाए। हमारा चैनल की रीच देखो कितनी कम हो चुकी है। खैर देखो ये सब चीज़ें होनी चाहिए इतना कि तुम्हारी थोड़ी सी रीच बनी रहे, थोड़ा बहुत क्लिक बेट चलता है, थोड़ा बहुत ट्रिकी वीडियोज़ होनी चाहिए ताकि एक थोड़ी रीच बनी रहे चैनल की, थोड़ी एक्टिविटी चलती रहे। लेकिन ये ना हो यार चैनल एक ऐसी डायरेक्शन में चला जाए जहाँ पे कंसेप्ट्स और जो डेप्थ नॉलेज है उससे कोई मतलब ही नहीं रहा, तो फिर हैक्स एंड सिक्योरिटी का कोई मतलब नहीं रहेगा। तुमने देखा होगा मैंने एक वीडियो बनाई थी कॉल स्पूफिंग की, जो एक कॉल किसी को भी किसी भी नंबर से कॉल करें, वो मैंने बनाई थी कंसेप्चुअल वीडियो, लेकिन उसका जो शुरू का पार्ट है वो थोड़ा लाइक ट्रिक बेस्ड है, थोड़ा एप्लीकेशन बेस्ड है, एक ऐप को यूज़ करना सिखाया जाता है बेसिकली उसमें, जैसे तुम किसी को भी किसी से भी कॉल कर सकते हो, तो उसके व्यूज़ डेली बढ़ते ही जाते हैं। और उसके बाद क्रिप्टोग्राफी, और क्रिप्टोग्राफी के इसलिए बढ़ते हैं क्योंकि कुछ एक दो ट्यूशन टीचर्स हैं जो लाइक मेरे को यहीं यूट्यूब के मिले थे, जिन्होंने मुझे मेल डाला था, जो अपने बच्चों को रिकमेंड करते रहते हैं मेरी वीडियोस, तो उस वजह से मेरे वहां पे व्यूज आते रहते हैं क्रिप्टोग्राफी के, उनके भी डेली बढ़ते हैं, और जो कॉल स्पूफिंग वाले हैं इसके सबसे ज्यादा तेजी से बढ़ते हैं और बढ़ते रहते हैं। तो अगर मैं ऐसी वीडियोस पे फोकस करना शुरू कर दूं और डेली इन्हीं वीडियोस पे फोकस करता जाऊं तो मेरे व्यूज बहुत ज्यादा हो जाएंगे, चैनल की अर्निंग इतनी ज्यादा हो जाएगी, लेकिन उस चीज का कोई फायदा नहीं है। मैं नहीं चाहता कि तुम ट्रिक्स तक लिमिट हो जाए, ये चीजें इतनी होनी चाहिए कि हमारी रीच बनी रहे। तो दोस्तों ग्रुप में भी सेम कारण है, मैं जो मीम्स वगैरह टेक्निकल मीम्स सिर्फ इसलिए अलाउ करता हूँ ताकि थोड़ा रीच बना रहे, उस पर ज़्यादा लोग कमेंट करते हैं तो ज़्यादा लोगों की टाइमलाइन पे जाता है, तो थोड़ा रीच सा बना रहता है, एक्टिविटी बनी रहती है ग्रुप में। तो दोस्तों जैसे अभी नए आईफोन्स अनाउंस हुए हैं तो मैं करने को तो दो तीन वीडियोज़ उस पर ही बना सकता था, एक वीडियो में थोड़ा उसकी प्राइस की बात कर देता, इतना हाई प्राइस है, एक में उसके फीचर्स की बात कर देता, फिर एक वीडियो में थोड़ा उसको 2000 उसके बारे में कुछ गलत बोल देता कि ये इतना महंगा ये वो, फिर से कुछ कई वीडियोज़ में उसी पर बना सकता था, और देखना उन सबके व्यूज़ भी इतने ज़्यादा आते हैं। मैं देखता हूँ यूट्यूब ऐसे ही चलता है, यूट्यूब पे अगर तुम ट्रेंड में बना रहना चाहते हो तो तुम्हें जो ट्रेंड्स होते हैं उनको फॉलो करना पड़ता है, लेकिन यार वो सब ठीक नहीं है। एटलीस्ट जो लोग कंसेप्ट्स के लिए आए हैं यहाँ पे, जो लोग कुछ उम्मीद के साथ हैं, जो कुछ सीखने हैं, उनके लिए तो एटलीस्ट सही नहीं है। तो जिन लोगों को लगता है कि वीडियोज़ लेंथी हैं और जो भी है, देखो भाई हर चीज़ का एक कारण होता है, हमारा जो चैनल है वो दूसरों से थोड़ा अलग चलता है। अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि दूसरे लोग इस एक ट्रेंड पे चल रहे हैं और हम लोग नहीं चल रहे, तो ठीक है, इट्स ओके, हम लोग यहाँ पे भी ठीक है, हम लोग इस ट्रेंड के साथ बिल्कुल ठीक है। और अब जो हमारी जो नेटवर्किंग की जो पहली दो वीडियोज़ थी वो काफ़ी अच्छी गई थी दोस्तों, और अब आगे जो वीडियोज़ जाएंगी पूरी कोशिश की जाएंगी कि उनको और ज़्यादा रीजनेबल बनाया जा सके, और मैं चाहूँगा कि जिन लोगों ने उस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया नए चैनल को, वो उस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि कुछ सीरीज़ ऐसी होंगी जो तभी शुरू की जा सकती हैं जब उस पर काफ़ी सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे।